हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते कि मेरी कंपनी घर जमाई, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, हर टाइप के रिश्ते अवेलेबल करवाती है। तो आज फिर से हम लोग एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। जो इस बार घर जमाई का रिश्ता है वो होने वाला है इस बार बैंगलोर से। जी हाँ, बैंगलोर आप लोगों ने नाम सुना होगा। बैंगलोर काफ़ी अच्छी सिटी है। वहाँ से एक मैडम ने हमें कांटेक्ट किया जिनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अगर आप उनकी फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप उनकी फुल डिटेल जान सकते हैं। फिलहाल थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैडम का बिजनेस पूरे बैंगलोर में फैला हुआ है और काफ़ी अच्छा बिजनेस फैला हुआ है। और जो मैडम की एज है वो है 26 साल। मैडम की जो हाइट है 5.2 इंच। मैडम की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। मैडम सिर्फ सिंगल ही एक माँ बाप की बेटी है, उनकी कोई बहन भी नहीं है, ना ही उनके कोई भाई है। तो इसलिए वो चाहती हैं कि जो भी मेरे साथ शादी करे वो उनके साथ रहें, उनकी मम्मी पापा के साथ रहें और उनका बिजनेस वगैरह भी संभालें। मैडम की रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट उन्होंने मेरे को बताया है कि लड़का जो होना चाहिए वो एकदम लॉयल रहना चाहिए मेरे साथ रिलेशनशिप में, कि मैं उसको सब कुछ दूंगी, उनको कमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कोई काम करना चाहते अपनी मर्जी से तो मैं वो काम भी उनको करा करके दूंगी और साथ ही साथ उनकी जो भी इच्छा होगी वो भी पूरी करूंगी। अगर उनको अपने घर भी आना जाना है तो कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा, तो वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। शर्त इतनी है कि वो उनके साथ रहें और कोई भी नशा ना करें, मुझसे बहुत सारा प्यार करें, उनका यही कहना है। उनकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई काम नहीं भी करते हैं तो अभी आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये घर जमाई का रिश्ता है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मोटा कोई भी बिज़नेस करते हैं या कहीं आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। मैं यही बोलूँगा, अगर आप इस टाइप के रिश्ते की तलाश में थे तो आप अभी अप्लाई करें इस रिश्ते के लिए। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक हमेशा पहुंच करके आप लोगों के रिलेशनशिप को हमेशा जोड़ करके रखें। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम और लोगों तक पहुँच करके और लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिश्ते के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।